हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर हम बात करें 21 जून को फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में कहाँ मौका लग सकता है ट्रेडिंग करने का, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आज जिस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है, इस तरह की कैंडल को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन नीड्स कन्फर्मेशन। अब ये कन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा, देखिए दो चीज़ें हैं। अगर मार्केट कल 51,700 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि बेयर मार्केट देखने को मिलेगा, और उस केस में अगर हम डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं, मतलब पुट साइड में एंट्री करते हैं, तो हमारा एसएल का काम करेगा 51,700 का, और टारगेट अप टू रहेंगे 50,800 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट 51,700 के ऊपर ओपन होता है तो उस केस में 51,700 एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर मार्केट 51,700 को एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, देन आप एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड में, एसएल बन जाएगा आपका 51,700। टारगेट अपसाइड मुझे नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऊपर मार्केट कितना भी जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही आ रही है निकल के कि मार्केट कल थोड़ा सा या तो इसी के पास में रहेगा या तो डाउनफॉल हो सकता है। अगर डाउनफॉल होगा तो यह मत सोचिएगा कि मार्केट अब ऊपर लौटेगा, उसकी रैली का मजा लीजिएगा। अगर हम बात करें RSI और MACD की, तो RSI का आप स्लोप देखेंगे थोड़ा सा आज प्रीवियस ट्रेडिंग को रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आप कहेंगे अभी भी पॉजिटिव स्लोप है लेकिन एंगल जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। अगर हम बात करें तो एंगल जो था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और बुल्स मार्केट पर अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। तो हम एक बात ये कह सकते हैं, बुल्स आर लूजिंग कंट्रोल, ठीक है ना। अगर हम MACD की बात करें तो MACD शोइंग मोमेंटम। इस केस में ये तो पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट में रैली फिर से देखने को मिल सकती है और ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बनेगा। इस समय ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि प्रीमियम कुछ खासा मिल नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग का टाइम नहीं चल रहा है। इस समय ऑप्शन बाइंग का चल रहा है। इन द मनी कॉल्स या इन द मनी पुट्स को बाई कीजिए, लॉसेज होने के कम चांसेस रहेंगे। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, क्यों, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो लॉस ज़्यादा हो सकता है। मोमेंट बहुत तेज रहेगी इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बैंक निफ्टी से दूर रहिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टॉक्स को अपलोड किया था जिसमें आप देख सकते हैं जो आपको फेवरेबल लगे, जो आपके लिए सही बने, आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, वहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छा पैसा बनेगा, सेफ रहेगा पैसा। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840747884 पर, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके ज्वाइन हो जाइए। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त।